तुर्की और पाकिस्तान दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जहां तुर्की गुरु है तो वहीं पाकिस्तान उसका चेला। अब कश्मीर को लेकर कुछ बहुत खतरनाक प्लान कर रहे हैं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, और इस साजिश में दोस्तों तुर्की के साथ साथ पाक भी शामिल है। इस पर दोस्तों आपको पूरी जानकारी देंगे आगे हमारे इस वीडियो में, तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ और हमारे वीडियो अंत तक जरूर देखिए। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्लैनेट फोर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। दोस्तों पाकिस्तान का दोस्त तुर्की कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। ग्रीस की एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन अपने भाड़े के लड़ाकों को हिंसा फैलाने के लिए कश्मीर भेजने जा रहे हैं। उनके सैन्य सलाहकार ने कश्मीर को लेकर अमेरिका में सक्रिय आतंकी संगठन का भी सहयोग लिया है। आखिर क्या है तुर्की की इच्छा, आइए आपको समझाते हैं। दोस्तों पेंटा पोस्टेग्मा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की के भाड़े के लड़ाकों का सैन्य संगठन सादात अब कश्मीर में सक्रिय होने की साजिश कर रहा है। तुर्की जो है दोस्तों वो सेंट्रल एशिया में खुद को एक अग्रणी देश के रूप में दिखाना चाहता है, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर में हिंसा फैलाना चाहता है। आपको पता है दोस्तों कि कश्मीर में पाकिस्तान जो भी आतंकवादी गतिविधियां फैलाने की कोशिश करता है उसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना के ऑपरेशन में कई बड़े आतंकवादी ढेर हो चुके हैं, इसलिए पाकिस्तान जो है वो अब तुर्की के साथ मिलकर अपने मंसूबों को अंजाम देना चाहता है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कश्मीर में हिंसा फैलाने की जिम्मेदारी सादात को सौंपी है। सादात का नेतृत्व एर्दोगन का सैन्य सलाहकार तंद्री वर्दी करता है। उसने कश्मीर में जन्मे सैयद गुलाम नबी फई नाम के आतंकवादी को कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए नियुक्त किया है। फई जो है दोस्तों ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पैसों पर भारत के खिलाफ भाड़े के सैनिकों की भर्ती करने के लिए अमेरिका में 2 साल की सजा काट चुका है। फई ने दोस्तों अमेरिका में कश्मीर के खिलाफ साजिश रचने के लिए अमेरिकी काउंसिल ऑफ कश्मीर की स्थापना की थी। इस संस्था की फंडिंग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई करती है। यह संगठन अब तुर्की के सादात और इस्लामिक दुनिया नाम के एक एनजीओ के साथ मिलकर कश्मीर में साजिश कर रहा है। अब दोस्तों एक शब्द जो आप बार बार सुन रहे होंगे सादात, ये क्या है आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों सादात जो है ये भाड़े के आतंकवादियों का एक समूह है जो तुर्की, सीरिया और लीबिया सहित कई देशों में जिहादियों को प्रशिक्षित करने और उन्हें हथियार दिलाने का काम करता है। इसमें दोस्तों बड़ी संख्या में तुर्की की सेना के रिटायर्ड फौजी भी शामिल हैं। खबर ये भी है दोस्तों कि ये सादात जो है ये मुस्लिम देशों के हजारों लड़ाकों को मिलाकर एक मुस्लिम सेना बनाना चाहता है। यह भी कहा जाता है दोस्तों कि अभी हाल ही में जो नागोर्नो काराबाग की लड़ाई हुई थी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच, उस जंग में भी तुर्की ने इन भाड़े के सैनिकों को भेजकर अजरबैजान की मदद की थी, जिसकी वजह से दोस्तों अजरबैजान ने इस युद्ध में आर्मेनिया को मात दे दी थी। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों आपके पास अगर हमारे लिए कोई तथ्य या सुझाव है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों आपके पास कोई टॉपिक है जिस पर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक लेकर। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।